इसे दूसरी बातों में उलझाना होगा। गौरी और शिव दीपदान के लिए गए हैं, अम्मा जी को हमें बताना है। हम ना बता सरला बहू। अरे चाचा जी आप कुछ मत बोलिए, हम ना भूल जाएंगे। हमें ना अभी अम्मा जी को बताना है कि गौरी और शिव दोनों घर पे नहीं है, वो गंगा जी में दीपदान के लिए गए हैं। हाँ गौरी बेटे तो घर पे है, रसोई में, मैंने खुद देखा है। रसोई में? नहीं नहीं चाचा जी, हमने अभी देखा रसोई में, पर वो रसोई में क्या पूरे घर में कहीं पे नहीं है। कौन, अम्मा जी? हाँ अम्मा जी कहीं नहीं मिल रही है। अरे अम्मा जी तो भजन सुन रही है हमारी अम्मा जी के साथ बैठ के। हाँ अम्मा जी तो भजन सुन रही है, तो फिर घर पे कौन नहीं है चाचा जी? जय जय बजरंग बली। सरला बहू तुम एक काम करो, घर में भजन चल रहा है, जाके सुनो, शांति मिलेगी। जा जा, इतना अच्छा। बढ़िया भजन हो रहा है ना। हाँ। दिमाग शांत हो जाएगा। याद आ गया। क्या? दिए। सरला बहू, दिए तो दिवाली पे जलाए जाते हैं, आज तो घर में भजन हो रहा है तो दिए की क्या जरूरत है। हाँ दिए तो दिवाली में जलाते हैं। हाँ। तो दिए नहीं नहीं दीपक, दीपक, दीपक। अच्छा 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 दीपक, ओ सारनाथ वाली बुआ जी के पोते का नाम दीपक है ना, तू उसी की बात कर रही हो ना? पर वो तो दिल्ली में रहता है, तूने यहाँ कहाँ देखा उसे? हाँ नहीं नहीं हमने नहीं देखा उन्हें, क्यों वो यहाँ आने वाले थे क्या? अब तुम्हें फोन आया, तुम्हें पता होगा ना। दीपक? हाँ। कब फोन आया? हाँ। दीपक? सरला बहू मुझे लगता है कि तुम्हें मंदिर में दीपक जलाने के लिए भेजा है देसी घी डाल के, और तुम भूल गई हो। हाँ याद आ गया चाचा जी, अब दिल्ली से दीपक का फोन आया था, अम्मा जी को दीपक जलाना है मंदिर में, ये गौरी को बताना है। दिल्ली से दीपक का फोन आया, अम्मा जी को मंदिर में दीपक जलाना है, ये हमें गौरी को बताना है। जय जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। पंडित जल्दी भाग, क्या क्या हुआ? तो मुन्ना को जल्दी से फोन लगा के बुला यहाँ पे, इससे पहले कि सरला बहू को रायता फैला दे। जल्दी फोन कर, रुकिए करते हैं। फरशिंदाचे काप नीट परतल्यानंतर त्यामध्ये दालचिनी पूड आणि मध घालून पुन्हा नीट परतून घ्यावं। बटर लावलेल्या ब्रेडवर सफरचंदाचे तुकडे, बदामाचे तुकडे, टुटी फ्रुटी, डार्क चॉकलेट आणि मीठ घालून दुसरा ब्रेडचा तुकडा त्यावर ठेवून वरच्या बाजूला बटर लावून घ्यावं। एका बाउलमध्ये स्ट्रॉबेरी सिरप आणि क्रीम घालून सॉस तयार करून घ्यावा। तयार सँडविच पॅनमध्ये बटरवर ग्रिल करून घ्यावं आणि स्ट्रॉबेरी सॉस बरोबर सर्व्ह करावं। जेव्हा बोलत होते ते आम्ही बघत होतो की या दोघांनी स्वतःचा संसार उभा केलाच, पण स्वतःच्या संसाराबरोबर अनेकांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण केला, तो आनंद महत्त्वाचा, हसत राहा आनंदी राहा असं म्हणत शुभेच्छा देऊया। आणि ही झी मराठीकडून भेटवस्तू डेव्हिड तुमच्यासाठी, अभिनंदन। आणि वहिनींना तथास्तू पुणे यांच्याकडून ही पैठणी, अभिनंदन। काय आला, काय झालं, काय आले? मी निकाल लावून आली हो, पण तिची आईच काय बोलली? तिला वाटलं का सगळ्या निशाने आपल्या चुका कबूल केल्या का? आई मी चांगलं सुनावून आली आहे, या तिची बाजू घेत होत्या पण मी लक्ष दिलं नाहीये। खूप झालं, खूप झालं, आता चांगुलपणा खूप झाला। मऊ दिसलं ना की कोपऱ्याने खंडतात ना माणसं, ते असं
अहो पण आईज म्हणली काय तिची पटला काय तिका? मला माहिती नाहीये आई, मी तुम्हाला नंतर फोन करते. आणि आई बाबा जे बोलले त्याचा वाईट नका वाटून घेऊ. सॉरी. सॉरी काय त्या नेहा आले. आई मी येते. होय काकू येते. सावकाश जाग. हो हो काय काकू कधी उडवता लग्नाचा पार बघूया.